इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं ज्योति मिश्रा। अब से 32 साल पहले चीन ने थियानमेन चौक पर अपने हजारों नागरिकों पर टैंक चढ़वा दिए थे और आज फिर चीन ही कोरोना से हुई लाखों मौतों का जिम्मेदार भी है। कोरोना वायरस वुहान लैब से ही निकला है, ये खुलासा अमेरिका की एक टॉप सीक्रेट ईमेल से हुआ और अब शी जिनपिंग को दुनिया से माफी भी मांगनी पड़ सकती है। वुहान के बारे में धमाकेदार बात पता चली है। एक एक ईमेल की हेडलाइन से न्यू वर्ल्ड लाइन बनी है। डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री तक हो गई है। कोरोना वायरस लैब से बना या चमगादड़ से इंसानों में फैला, इसका हवा हवाई नहीं बल्कि लिखित सबूत मिल गया है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 3000 पेज के ईमेल रिकॉर्ड हैं। ये ईमेल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फाउची के हैं। इन ईमेल में चीन और फाउची के बीच कोरोना महामारी को लेकर बातचीत हो रही है, जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इन ईमेल के लीक होने से चीन टेंशन में क्यों है? वुहान लैब के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले? क्या अब अमेरिका चीन पर एक्शन लेगा? चीन ने अमेरिका को नई धमकी क्या दी है? चीन, कोरोना और वुहान लैब पर एक एक करके खुलासा होगा, लेकिन इन ईमेल के लीक होते ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकदम अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप का दावा है कि उन्होंने जो कुछ चीन के बारे में कहा था, जो वुहान लैब के बारे में बताया था, उसी पर बाइडन सरकार भी मुहर लगा रही है। अब हर कोई, यहां तक कि दुश्मन भी ये कहना शुरू कर चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का चाइना वायरस के वुहान की लैब से आने की बात सही थी। डॉक्टर फाउची और चीन के बीच ईमेल इसका सबूत है, जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के पहले ऐसे लीडर थे जो कोरोना वायरस को बार बार चाइनीज वायरस कहते थे। उन्होंने सीधे तौर पर कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था, जिसकी वजह से चीन भी बैकफुट पर था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कोरोना से हुई 37 लाख मौतों के लिए चीन पर जुर्माना लगना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि चीन को अमेरिका और दुनिया को 10 लाख करोड़ डॉलर का हर्जाना देना चाहिए। चीन को लगा था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए हैं, अब मामला शांत हो जाएगा, बाइडन आएंगे और चीन को क्लीन चिट दे देंगे। लेकिन चीन भूल गया कि अमेरिका में देश हित हमेशा से राजनीति से ऊपर रहती है। बाइडन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से कोरोना की जांच के आदेश दे दिए थे। उनके पास जांच की फाइल भी आ गई है, लेकिन जांच में यह साफ साफ नहीं बताया गया कोरोना लैब से निकला या जानवर से। इसलिए बाइडन ने फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए 90 दिन की डेथ लाइन दी है। अब समझिए डॉक्टर फाउची के ईमेल में ऐसा क्या है जिसने एक बार फिर से अमेरिका और चीन को आमने सामने खड़ा कर दिया। खुलासा नंबर एक, इन ईमेल से डॉक्टर फाउची ने माना है कि कोरोना वुहान लैब से लीक हो सकता है। खुलासा नंबर दो, वुहान लैब पर अमेरिकी एजेंसी को पहले दिन से शक था। वुहान वायरोलॉजी लैब के 3 रिसर्चर कोरोना महामारी से पहले बीमार पड़े थे, तीनों में कोरोना के लक्षण देखने को मिले थे। डॉक्टर फाउची ने 2020 में चीन से वुहान लैब के तीनों वैज्ञानिकों की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन चीन ने लैब में काम करने वाले किसी भी शख्स की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी। खुलासा नंबर 3, चीन ने शुरुआत में वुहान लैब का सच छिपाने की भरपूर कोशिश की और वेट मार्केट से कोरोना फैलने की थ्योरी बताई। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों को भी यही लगने लगा था कोरोना संक्रमण चीन की साजिश नहीं है, लेकिन अब ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का भी मानना है कि कोरोना चीन की वुहान की लैब से लीक हो सकता है। जैसे जैसे वुहान लैब पर खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे चीन की घबराहट बढ़ने लगी है। जिस तरह से अमेरिका कोरोना का राजनीतिकरण कर रहा है, उसका चीन विरोध करता है। बिना किसी सबूत के कैसे लोग वुहान लैब लीक थ्योरी को साझा कर रहे हैं? सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और कोरोना से हुई अपनी नाकामी को छिपाने के लिए चीन पर आरोप लगा रहा है। बिंदु चुंग चुंग
चीन बार बार कहता है वुहान लैब और कोरोना संक्रमण का कोई लेना देना नहीं है, जबकि अब ये साबित हो चुका है कि वुहान के इस वायरोलॉजी लैब में काम करने वाले रिसर्चर को कोरोना आउटब्रेक से एक महीना पहले ही कोरोना हो गया था। लेकिन जब यही सवाल एक साल पहले चीन से पूछा गया था तो वुहान वायरोलॉजी लैब की हेड शी झेंगली ने क्या जवाब दिया था वो सुनिए, क्योंकि सच और झूठ यहीं से पकड़ा जाएगा। हमको पिछले साल 30 दिसंबर को कोरोना वायरस से जुड़े सैंपल मिले थे। हमको पहले लगा कि ये निमोनिया होगा। जैसे कि हमारी लैब में कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च पहले से चल रही थी तो हमने सैंपल पर रिसर्च शुरू कर दी। जल्द ही मालूम पड़ गया था कि ये एकदम नए किस्म का वायरस है। जितने वायरस के बारे में हम जानते थे उनसे एकदम अलग है, इसलिए हमने इसको नोवल वायरस कहा। इसके बाद हमने और हमारे दो मेडिकल इंस्टीट्यूट ने पूरी डिटेल रिपोर्ट WHO को 12 जनवरी को सौंप दी। इसके बाद हमने इस वायरस से जुड़ी हर जानकारी GSAID में अपलोड कर दी ताकि दुनिया भर के डॉक्टर वैज्ञानिक इसके बारे में जान सकें और वैक्सीन तैयार कर सकें। वाह, किस कदर किस सफाई से सच पर पर्दा डाला गया है। वुहान लैब की सच्चाई जाननी है तो इस लैब के अंदर जाना होगा, हर एक एंगल से देखना होगा लैब के किस हॉल में किस कमरे में रिसर्च के नाम पर क्या क्या चलता है। वुहान वायरोलॉजी लैब दुनिया की सबसे एडवांस लैब में से एक है। वुहान लैब में 37 वैज्ञानिक ग्रुप अलग अलग रिसर्च करते हैं। 5 बड़े रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें एनालिसिस टेस्टिंग सेंटर, जानवरों पर एक्सपेरिमेंटल सेंटर, आइसोटोप रूम, इंसानी बीमारियों के लिए स्पेशल BSL-2 लैब। वुहान लैब में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट चमगादड़ पर किया जाता है। चाइनीज मिलिट्री के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट भी इसी लैब में चलते हैं। लेकिन जैसे ही वुहान में कोरोना आउटब्रेक हुआ, इस लैब को सबसे पहले बंद किया गया, सारे सबूत मिटाए गए, मगर गुनाह हमेशा अपने निशान छोड़ जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल में वुहान लैब में कब कब क्या हुआ, कोरोना पर किस लेवल पर रिसर्च की जा रही थी और कोरोना फैलने के बाद चीन ने कैसे अपने दांत धोने की कोशिश की, एक एक डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट समझाई गई है। सबसे पहले देखिए चीन में कितने अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता था। वुहान लैब में रिसर्च करने के लिए चीन के अलग अलग कोने से चमगादड़ पकड़कर लाए जाते हैं। कई बार एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों को चमगादड़ ने काटा तक है। ये फोटो लैब के अंदर की है, इसमें एक रिसर्चर फ्रीजर से वायरस बॉक्स निकाल रहा है जो खुला हुआ है और इसने चेहरे को ओपन कर रखा है। वुहान बैट लैब में जो कुछ होता है वो चीन की बैट वेमन यानी डॉक्टर शी झेंगली के लीडरशिप में होता है, बताया जाता है। झेंगली का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट जिनपिंग के ऑफिस तक है। जब इनसे पूछा गया कि चमगादड़ में किस तरह की रिसर्च होती है तो जरा इनका जवाब भी सुनिए। हम 2004 से चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस पर स्टडी कर रहे हैं। 15 साल के दौरान हमने काफी कुछ चीजें इकट्ठा की, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया ताकि महामारी के वक्त हम कम से कम वक्त पर उससे बचने का तरीका निकाल सकें। 15 साल की रिसर्च के दौरान हमने SARS जैसे वायरस को ट्रेस करने का तरीका पता लगाया, कई तरह से वायरस के बारे में मालूम पड़ा। SARS जैसे वायरस इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। खुलासा नंबर 8, चाइना ने पहले दुनिया को कोरोना वायरस दिया, फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोरोना वैक्सीन निकाली जो कोरोना से कम खतरनाक नहीं है, जिसका सच बताने वाले को चीन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। चाइनीज वैक्सीन लगाने से लोगों की मौत हो रही है। चाइनीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट बताने पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक डॉक्टर को गायब कर दिया। इसके अलावा जिस जिस देश में चाइनीज वैक्सीन बेची गई वहां पर भी चाइनीज वैक्सीन बेअसर साबित हुई। UAE, बहरीन, सेशल्स अब चाइनीज वैक्सीन के बाद फाइजर वैक्सीन अपनी जनता को लगा रहे हैं। ऐसा ही हाल चीन के अंदर भी चल रहा है। चाइनीज सरकार ने सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू करने का दावा किया था, लेकिन चीन में जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो भी कोरोना का शिकार होने लगे हैं, क्योंकि चाइनीज वैक्सीन कोरोना पर 50% कारगर है। ये बात खुद चाइनीज वैज्ञानिक अब समझ रहे हैं।
न्यू वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ कोरोनावायरस का नया स्ट्रेन एंटीबॉडीज को 10-20% तक गिरा सकता है, लेकिन हमारी वैक्सीन नए वेरिएंट पर 50% काम करती है। इस वक्त वैक्सीनेशन को और तेजी से बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस म्यूटेट होता रहेगा। वायरस के नए नए वेरिएंट को रोकना होगा। कंटिन्यू टू म्यूटेट, वी मस्ट कट ऑफ ऑल चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन टू प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम फर्दर म्यूटेशन। चीन का दावा है कि 60 करोड़ वैक्सीन डोज लगा चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और 80% आबादी को इस साल के अंत तक वैक्सीनेट कर देगा। लेकिन चीन के इस दावे के पीछे बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि चीन में टीकाकरण तो किया जा रहा है, लेकिन 60 साल से ऊपर की आबादी को चीन ने मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर कोई व्यक्ति 59 साल का है और कुछ दिनों के बाद 60 का होने वाला है, उसको भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, और ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगों के लिए हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।